धनबाद से बड़ी खबर आ रही है, 13 संदिग्ध साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। 13 मोबाइल, 1 लैपटॉप जब्त किया गया है। सदर थाना क्षेत्र के शंकर कॉलोनी की घटना हम आपको बता रहे हैं। सरगना की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं धनबाद से, जहां पर 13 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। सदर थाना क्षेत्र के शंकर कॉलोनी की घटना है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। 13 संदिग्ध साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं और भी लोगों की संलिप्तता की जानकारी आ रही है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सरगना की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर धनबाद से, सदर थाना क्षेत्र के शंकर कॉलोनी की घटना बता रहे हैं आपको, जहां पर 13 संदिग्ध साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। सरगना की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 13 मोबाइल, 1 लैपटॉप जब्त किया गया है। इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, 13 संदिग्ध साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए अमन, ये धनबाद सदर थाना क्षेत्र के बेकारवान इलाका में एक अपार्टमेंट है, अपना बतेरा रमा अपार्टमेंट। यहाँ के फ्लैट में पिछले जो वहाँ से रह रहे हैं उनके अनुसार 6 महीने मात्र से वहाँ पर लगभग 13-14 जो यंग एज के लड़के हैं वो वहाँ पे रह रहे थे, और उनके द्वारा संदिग्ध वारदात की जो सूचना थी, लैपटॉप में देर रात तक रहना, मोबाइल से करना बात, और सारे चूंकि साउथ के थे तो लोगों को यहाँ पे कुछ संदेह हुई। तो कल ही शाम को धनबाद पुलिस को फोन किया गया, रात में पुलिस ने रेड किया है। तो जब पुलिस के आने की सूचना मिली तो सारे लोगों ने अपने फोन, लगभग 7-8 फोन जो है, बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया, और पुलिस बाद में पहुंची तो वहां से लगभग 13 और आज एक सुबह फिर 14 मोबाइल जब्त की है। 2 लैपटॉप को भी सीज किया है और 13 लोगों को अपने साथ लेके गई है। इस मामले में उन युवकों के अनुसार कोई विक्रम नाम का युवक है जिसने उनको यहाँ पे लेके आया था सारे, और तो उसमें से उसे ही सरगना मान रही है पुलिस और उनके तलाशी में छापेमारी भी कर रही है, लेकिन जो पता चल रहा है जो वो फरार हो चुका है। जी जी अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 13 संदिग्ध साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। विक्रम नामक युवक बताया जा रहा है और उसकी तलाश के लिए पुलिस लगातार जुटी हुई है। 13 मोबाइल, 1 लैपटॉप जब्त किया गया है।